हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम पाठक डायरीज। तो आज अभी टाइम हो रहा है 11 और मुझे जाना है अभी शॉपिंग करने। आज टाइम हो गया है ग्रॉसरीज का, तो चलिए चलते हैं ग्रॉसरीज लेने। और मुझे कमेंट करिए कि आप लोग कौन सी ग्रॉसरीज लेते हो, कहाँ से लेते हो। चलिए मैं दिखाती हूँ कहाँ से लेती हूँ, और ये मेरा सेकेंड वीडियो है ग्रॉसरीज वाला। चलिए चलते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस, मास्क, चलो सबके लिए लाने हैं चिप्स, बिस्किट्स एंड मेनी मोर। बाय मामा, बाय। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। चलिए देखिए, मेरा ड्राइवर तैयार है गाड़ी लेके, एकदम अप टू डेट। तो चलिए ड्राइवर साहब, कहाँ ले चल रहे हो मुझे आज? और जो मैं बोलूँगी वो लेना है, आप काउंटर के पास नहीं आके बैठ जाना। चलिए चलते हैं। ले लो ले लो, अभी तो तुम्हारी केवल आधी ट्रॉली भरी है, अभी तो पूरी भरनी है। मुझे यहाँ पे लगेगा एक घंटा। क्या ले रहे हो? फिश जेल। ओके, और शावर जेल। क्या लिया नीलम तुमने? एक मोनू के डिमांड वाले पहले पूरे कर लेती हूँ। उसके लेस, दो लेस भर भर के बोला है कि नमकीन लाने। उसके नमकीन और एक लेस, बस ये तो आप बोलोगे कि खिला खिला के मोटी मोटा कर दे रही है उसको। इसकी जरूरत नहीं है, नेचुरल आलमंड तो मैं खुद ही बना दूंगी। ये मुझे लेना है जल्दी, खजूर। लेते रहो नीलम, जो जरूरत के सामान है वो लो, अननेसेसरी चीज मत लो तुम। अब कहाँ जा रहे हो? ये सेक्शन में शैम्पूज, सोप। हम शैम्पू में हेड एंड शोल्डर लो, यहाँ है ये वाला। दिस एंटी हेयर फॉल, ये कूल मेंटोल। कितने सारे चीज आ गए, बस सिल्की ब्लैक को ही मतलब है। क्या ले रहे हो? कॉफी कप्स। ठीक है भैया, कितने का है ये? ये एक ही है ना। कितने का है भैया? ये पेयर नहीं है, एक ही है। प्लेन व्हाइट में लो, वही अच्छा लगता है नीलम। ये प्लेन व्हाइट जो पहले वो दिखाया था, मुझे बहुत पसंद आया। ये छोटा, ये टी कप्स है। ओके, कॉफी कप्स लेंगे। मैं टेडी बियर ले लूं। ले लो, टेडी बियर्स भी है क्या? सब सामान रखवा दी, देखो मैं। हाँ, सामान आ गया। अच्छा भाई, ये कवर तो मैं भूल ही गई थी। चलो ठीक है। अच्छा सुनिए, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई थी। हाँ। आपका तो वो हुआ था ना, टेस्ट हुआ था। हाँ। तो वो टेस्ट अच्छा। के बारे में तो आप पूछ रही हो।
नेगेटिव था, नहीं तो मैं क्यों आता ऐसा, नेगेटिव रिपोर्ट आ गया। नेगेटिव वो पता ही है ना, तो क्या है ना फीवर वगैरह वो सब रहता ही है। ठीक है, उसको ना क्या करना सुनो, हाँ पूरा सैनिटाइज कर देना स्प्रे करके, ठीक है। अब आराम से पहले मैं लंच कर लूं। अच्छा लंच में नहीं करा अभी तक ना? लंच कर लेते हैं। ठीक ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं जा रही हूँ लंच करने, ये सब सामान आ गया, मैं उसे सैनिटाइज करके फिर उसे अलग अलग करूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं लाई हूँ। मम्मी मेरे लिए क्या लाए? लाइए मेरे पूरे चिप्स मुझे वापस करिए। पूरे नहीं मिलने वाले। क्यों? एक तो मैं पापा से छुपा के रही हूँ ये सब। वो मुझको नहीं पता। पापा मैं उनको ऑर्डर दीजिए इधर। पापा को आधी चीज पता ही नहीं। नहीं तो मुझको वो सब नहीं पता। मैं आपको बुला दूंगा वापस। नीलम, नीलम। हाँ जी। सब सामान सैनिटाइज हो गए? सैनिटाइज हो गया, मैं रख रही हूँ, आप रहिए। एक बात बताओ, हम लोगों का बजट था कि 5 से 6 हजार का सामान खरीदेंगे हम लोग, 11 हजार का सामान कैसे हो गया? क्या 11 हजार का सामान हो गया? पापा जी देखिए भाई, मम्मी ने आपको बोला था कि ग्रोसरीज खरीदेंगे और खरीद के आए 5 परफ्यूम। अच्छा हाँ नीलम सही बताओ, 3 परफ्यूम की क्या जरूरत है बताओ? कहाँ 3 परफ्यूम, दिख नहीं रहा सामने। अम्ब्रेला नहीं, एक बार बताओ 3 परफ्यूम क्यों खरीदे बताओ? नहीं सेंस वाली, कहाँ तू बाहर जा रही है बताओ? बाहर कहीं आना जाना नहीं करोना टाइम में, तो ये ऑलरेडी अंदर भी 2 रखे हुए हैं। आपको कुछ नहीं दिखा, बस मेरे परफ्यूम देखे। अच्छा ठीक है, अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला क्यों खरीदे? अम्ब्रेला तो ऑलरेडी है घर पे, देखे कितना क्यूट सा है ये मेरे ड्रेस में, कितना अच्छा मैच कर रहा है। आपको खोल के बताओ, खोल के बताओ, आप देखिए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं खरीदे क्यों? पिंक पिंक क्यों नो ना, ये देखिए, ये देखिए, बारिश हो रही है, ब्यूटीफुल। चलो अच्छा है, लेकिन क्यों अननेसेसरी खर्चे कर रहे हो तुम लोग? ब्यूटीफुल जब बोल, नहीं मैं जब देख रहा था, जब मैं नीचे हूँ तो ऊपर जा रही हो, जब ऊपर जा रहा हूँ तो नीचे जा रही हो। तो मुझे खरीदने नहीं देते हो कुछ भी। वो शॉप वाला मुझे बोल रहा है मैडम पता नहीं आपको देखे ऊपर चले जा रही है। मैं 2 मिनट ऑलरेडी है घर पे, ये कटर भी है घर में, व्हाइट कलर का नहीं है, पता नहीं मुझे उसका आइडिया नहीं है। नीलम है तो क्यों लिए फिर? नीलम कहाँ व्हाइट कटर है, कहाँ व्हाइट कटर है? मुझे आइडिया तो नहीं है उस चीज का। अच्छा और नहीं है? नहीं नीलम ये बताओ, हम लोग हर महीने लेते हैं ना सामान, हर महीने लेते हैं, तुम्हें पता है कितना आता है हिसाब से? और कोई कितना है? अब देखो जो राइस बैग है परसों लिए थे ना हम लोग, ठीक है शाम को दे दो, क्यों लिए? यहाँ से दिख रहा है मुझे, एक हेड एंड शोल्डर है, एक क्रिस्मी है, और जो ऑलरेडी 2 घर में रखे हुए हैं, मैं अभी बोली ना बारिश का मौसम, एक आयुर शैम्पू ऑलरेडी मोनो रखा हुआ है, दूसरा शिकाकाई का रखा हुआ है, तो शिकाकाई मैं लगाती हूँ, हेड एंड शोल्डर ये लगाता है डैंड्रफ के लिए, क्रिस्मी आपके लिए, देखिए आपके ड्रेस से कितना मैच भी हो रहा है। अरे वाह, मैचिंग मैचिंग, क्या मैचिंग मैचिंग, ये यूजफुल थिंग है कि नहीं? नहीं एक बात बताओ, हर एक के घर में होता है, जाते हैं सब लोग, वो सब ठीक है, कुछ भी वेस्ट सामान नहीं है। तुम ऊपर टेडी बियर कैसे क्या कर रही थी? टेडी बियर पकड़ के घूम रही थी क्या? वो भी जाने वाली थी क्या? अब आप वो कब देख लिए? अरे वाह मुझे पता नहीं है क्या? आप कहाँ थे? मैं ऊपर आऊंगा नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे फालतू का मुझे पता है, इसमें भी मैंने बहुत सारे कटवा दिए मैंने लिस्ट में से, नहीं बस वही तो मैं ढूंढ रही हूँ कि वो चीज कहाँ है, वही मैं ढूंढ रही हूँ। छोड़ो जाने दो, ली थी वो कहाँ गया? बिल्डिंग के पास आप बैठ गए ना आखिर में, अभी लेना ही पड़ेगा ना। नहीं नेक्स्ट टाइम से अगर आप बिल्डिंग के पास ऐसे बैठ जाओगे तो फिर मैं नहीं आने वाली। ठीक है अच्छा, एक तो मैं ये भाई अच्छा है भाई और सस्ता होगा, एक तो मैं ये सोच के गई थी कि फर्स्ट को सेकंड पे जाएंगे तो कोरोना है एकदम बहुत भीड़ रहेगा रश रहेगा सामान भी नहीं ले पाऊंगी। नहीं 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 बताओ लिसन, तुमको अगले महीने जाना चाहिए था, इतना पहले क्यों खर्चा करवा दिया? मैं बोल रही हूँ कोरोना की वजह से मैं स्टार्ट में पहले ही चली गई ना, अगर कोरोना है इससे तो नहीं जा रही हूँ। नेक्स्ट मंथ भीड़ हो जाएगा ना पापा, चलो ये तो अच्छा काम करा तुमने, हाउस पाउच हो जाता है पूरा शॉपिंग मॉल, सही में रश तो कम था इसलिए मैं भी ले ली, कितने सुकून से देखिए सामान आ गया मुझे, सुकून से आ गया, सुकून से ज्यादा खर्चा हो गया, बिजी टाइम में जाना अच्छा है मेरे हिसाब से तो। नहीं बिजी टाइम में ज्यादा लोग हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, नीलम चलो नीलम चलो, तो कहाँ से खाने को मिलेगा? इडली डोसा वड़ा सब सब खाने को चाहिए। अच्छा टेस्टी ऑर्डर तो आ जाता। अच्छा इमोशनल ब्लैकमेल, यानी कि ये सब सामान मेरे लिए है ये? हाँ। ये बच्चा रात में ऑर्डर कर देता है, मम्मी ब्रेकफास्ट में ये चाहिए। हाँ। पनीर की वो भी नहीं बोलना,
पनीर भी आया है इसके लिए। वो पनीर का है? पनीर फ्रिज में है। अच्छा भैया पनीर भी आया है। अच्छा काम करती हो ना? अच्छा तो काम करती हो। कल बनेगा ना पनीर पराठे? ठीक है। अभी का रात का खाना बना? नहीं बना, बन गया ना सांबर चावल। अच्छा सांबर चावल। जिस दिन इडली बने उस दिन इडली सांबर चावल, जिस दिन दोसा बने उस दिन माँ बहन भाई दोसा। ठीक है नीलम प्लीज नेक्स्ट टाइम से एटलीस्ट थोड़ा ग्रोसरी में थोड़ा कंट्रोल करो। नहीं क्या वेस्ट आइटम है? वेस्ट आइटम की बात नहीं है, मुझे तो सामने ये देखो तुम्हारा बेटा दिखा रहा है, देख लो। ठीक है ठीक है चलो कोई बात नहीं। नहीं नीलम वो टोकरी क्यों ली गई छोटा सा? वो फ्री आइटम मिला मुझे। अच्छा पापा जी पापा जी एक्स्ट्रा 200 उसका ही है। अच्छा फिर टक क्यों लिया तुमने? ये वेजिटेबल्स मुझे धोने। अच्छा इससे पहले कभी घर में वेजिटेबल धुले नहीं है क्या? वेजिटेबल धुले हैं मगर क्या है लौकी लेती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। लौकी में किस में डिप करूँ? अच्छा। ऊपर से बस हल्दी लगा देती हूँ। ओके अब आप भी बोलते हो सैनिटाइज अच्छा किया कर, केयरफुल रहना कोविड से। सैनिटाइज अच्छे से किया कर बोले, ये नहीं बोले कि बड़े टब में डुबाओ उसमें डुबाओ इसमें डुबाओ। कोविड के प्रिकॉशंस है ना ये सब, मतलब यही मन से कोविड स्टार्ट हुआ इसका मतलब है ना। लास्ट ईयर से कोविड चल रहा है ये सबको पता है। देखे तो कितना सुंदर कलर है, कितना अच्छा टब। नहीं मुझको तो सुंदर नहीं दिख रहा, वो डी शेप का ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 700 रुपए का तो है। चलो ठीक है कोई बात नहीं है। एनी हाउ प्लीज थोड़ा देख लो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। हाँ क्या हम नहीं करेंगे कंट्रोल किस चीज में? क्या करी वेस्ट? मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना बिल कैसे बना। आपको खाने के लिए चाहिए कलर अच्छा दिखे। अम्ब्रेला तो लेगा एकदम गलत लगा मुझे तुम्हारा परफ्यूम। चलो ठीक है कोई बात नहीं हो गया। नहीं नीलम ऑलरेडी हमारे पास अब स्टॉक था, ये जितने भी तुम सामान ले रहे ना इसके 30-40% ऑलरेडी रखा हुआ है स्टॉक में, ऑलरेडी रखा हुआ है फिर भी तुमने लिया है। एक और चीज बताओ, तुम बस मेरा खर्चा कराओ बस। तुम सुनिए पूरा मेरा इंसल्ट करा रहे हो कैमरा के सामने, मैं तो बस अपना भाई एक और चीज देख रही हूं, मैं फ्रेंड्स को दिखाने के लिए लाई हूँ कि मैं आज क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ, आप लोग क्यों बीच में आ रहे हो? अच्छा ठीक है नीलम ये बताओ अगर टेडी बियर भी खरीद लेती थी क्या तुम? टेडी बियर खरीदने का इरादा था क्या? ना सुंदर था वो, कितने बोली हूँ रखने के लिए। अच्छा तो नेक्स्ट टाइम वो भी आने वाला है क्या? देखियो बाबा जी मम्मी ना उसे बिना पूछे इयर रिंग्स लिए हैं। देखिए चलो ठीक है वो सब तो लेडीज का चलता है ना, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। चलो वो सब ठीक है, नहीं हो सैनिटाइज हो चुका है ना सब कुछ? सैनिटाइज सब ठीक है, इसको शॉर्टिंग करके सर चमचे के खाना है मुझको सेट कर दे रही हूँ। तो अभी मैं क्लोज करती हूँ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, मेरी शॉपिंग अच्छी लगी और आप कहाँ से शॉपिंग करते हो और आप क्या क्या खरीदते हो प्लीज मुझे जरूर बताइए, कमेंट्स करिए। जो मेरे न्यू व्यूअर्स है वो लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाए ताकि आपको डेली के नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक रिक्वेस्ट ये है प्लीज लेडीज लोग अपने हस्बैंड लोग में इतना प्रेशर मत डालिए प्लीज प्लीज प्लीज। एनी हाउ ये लोग इमोशनल ब्लैकमेल तो करती हैं आपके लिए ये सब, उनके हंसियों में मत जाइए। एटलीस्ट मेरी वाइफ ने तो मुझे एक्चुअली बेवकूफ बना ही दिया है, आप प्लीज अपने हस्बैंड को मत बनाएगा। चलिए ओके चलो ठीक है कोई बात नहीं। #NeelamPathakDiaries